सर्वतो भद्र शालिग्राम मंडल द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम का विधि विधान से हुआ हवन यज्ञ। 7 दिवसीय शालिग्राम पूजन में 108 यजमानों ने दी आहुतियां, हुई पूर्ण आहुति। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। नया घर गुलाबबाड़ी स्थित राज्य रानी गार्डन के सामने सर्वतो भद्र शालिग्राम मंडल द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम का 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन बुधवार को पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हो गया। पंडित जी ने बताया कि नेपाल से 1770 शालिग्राम की पूजा के लिए 108 यजमानों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली गई। उन्होंने बताया कि मुक्तिनाथ नेपाल से कालीगंड नदी से लाए गए शालिग्रामों का विधि विधान से 7 दिनों तक हवन पूजन किया गया। इस मौके पर श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम कर हवन में आहुतियां डाली गई। बुधवार को पूर्ण आहुति के साथ महाआरती का आयोजन हुआ। तत्पश्चात पोष बड़ों का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन कर भगवान की आराधना की गई। कार्यक्रम में सुनीत झा, पूनम वर्मा, गुलाब सोनी सहित अनेकों भक्त मौजूद रहे। ग्राम की यहाँ पर आज पूजा हो रही है, आइए हम पंडित जी इनसे बात करते हैं किस तरह से इनकी पूजा हो जा रही है। हाँ पंडित जी, बताइए आज किस तरह से पूजा हो रही है। क्या आज 20 जनवरी को 7 दिवसीय 1770 शालिग्राम के समक्ष विष्णु लक्ष्मी सहस्त्रनाम की 7 दिन से 108 यजमानों के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम की आहुतियाँ दी जा रही है और आज इसकी पूर्णाहुति है। ये कहाँ से लाए गए इन भगवानों को? क्या ये शालिग्राम भगवान? ये शालिग्राम भगवान मुक्तिनाथ नेपाल में पाए जाते हैं और एक ही जगह है जहाँ कालीगंड की नदी नेपाल के अंदर आती है, प्रवेश करती है, वहाँ ये प्राय जाता है। नेपाल में अभी इनकी रोक लगी हुई है, तो किस तरह से? नेपाल में शालिग्राम को नहीं लाने दिया जाता है। अगर हिंदू हैं तो एक ही शालिग्राम लाने की अनुमति है प्रशासनिक, लेकिन भगवान की इच्छा या किसी प्रकार से ये यहाँ पधार गए। हाँ, तो आप इनकी किस तरह से सेवा कर रहे हो? इनकी नित्य सेवा होती है। इसके अलावा इनको अभी तक मैंने 3 बार पूरे भारतवर्ष में 105 दिव्य देश हैं जहाँ विष्णु भगवान के पुराने मंदिर हैं, वहाँ सभी जगह ले जा करके हवन पूजन इनका किया और अब अजमेर में अपने घर पे ही इन्हें विराजित करके और जो भी सेवा पूजा इनकी होती है नियमित वो की जा रही है। आज सुबह से ही यहाँ पर 7 दिनों से पूजा चल रही है। आइए हमारे संग कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए किस तरह से इनकी पूजा कर रहे हो? 7 दिन से यहाँ पे हर रोज़ सुबह और शाम को विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम के हवन किए जाते हैं और नित्य आरती वगैरह होती है और आज इनकी पूर्णाहुति की जा रही है। किस तरह से आज सुबह से पूर्णाहुति दी जा रही है? आज सुबह से यहाँ पे सुबह जैसे रोज़ होता है वैसे विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम के हवन हुए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने आके यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह किए हैं और अभी फिर से पूर्णाहुति में विष्णु सहस्त्रनाम का हवन होगा और महाआरती होगी। 7 दिनों से ये पूर्णाहुति और हवन चल रहा है यहाँ पर और आज पूर्णाहुति दी गई है। और हॉरिजन के लिए नरेश गौर, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।